हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है जन्माष्टमी का ही व्लॉग, ये लास्ट व्लॉग है, इसके बाद जन्माष्टमी का व्लॉग अभी कोई नहीं है मेरे पास। थोड़ा लेट हो गया शेयर करने में, लेकिन फाइनली आज शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे प्रसाद बनाने की सारी तैयारी कर चुके हैं और अभी हम और मुनमुन किचन में आ गए हैं प्रसाद बनाने के लिए। और हमारा और मुनमुन का फास्ट है आज, फर्स्ट टाइम हम लोग ये जन्माष्टमी का फास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम और मुनमुन लग गए हैं प्रसाद बनाने की तैयारी में, और मुनमुन मक्खन तैयार कर रही है लड्डू गोपाल के लिए। और यहाँ पे हम प्रसाद बनाने वाले हैं, प्रसाद में बनाएंगे दो तरीके के पाग। एक तो नारियल का पाग तैयार करेंगे नारियल कद्दूकस करके, और एक ड्राई फ्रूट से बनाएंगे, और साथ में बनाएंगे सिंघाड़े का हलवा और साबूदाने की खीर और धनिए की पंजीरी और पंचामृत। तो ये सारा प्रसाद तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, उनको देसी घी में हल्का सा रोस्ट कर करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कुछ बादाम है, कुछ काजू है, कुछ नहीं, थोड़े ज़्यादा ही दिख रहे हैं, थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और हमारे घर में पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है मीठा, तो प्रसाद फिर पापा खाते रहेंगे, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बादाम थे उनको घी में हल्का सा रोस्ट कर लिए हैं, उसके बाद ये काजू हैं इनको रोस्ट करेंगे, और सब चीज़ हम थोड़े मोटे मोटे दानों में कट कर लिए हैं। आप रोस्ट करने के बाद भी इनको टुकड़ों में काट सकते हैं, और पहले भी तो हम पहले ही कट कर लिए। और मुनमुन अपना हाथ कितनी तेज़ी से चला रही है आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे काजू और बादाम अच्छे से रोस्ट हो गया है, उसके बाद बारी बारी करके जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना उनको रोस्ट कर लेंगे। और इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और बहुत मन से हम ये पाक तैयार कर रहे हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो इसके बाद यहाँ पे ये मखाने हैं, इनको भी रोस्ट कर लेंगे, और इसके बाद इनको हल्का सा दरदरा कूट लेंगे, या तो आप चाकू की मदद से काट भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये है गोंद, और ये एकदम छोटे छोटे से टुकड़ों में है गोंद, तो ये बहुत जल्दी से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और गोंद को हमेशा धीमी आंच पे इस तरीके से फ्राई करना होता है ताकि ये अंदर तक पक जाए अच्छे से। वैसे तो ये बहुत बारीक बारीक है, तो ये बहुत जल्दी से पक जाएंगे, लेकिन जो थोड़े मोटे दाने वाले होते हैं ना, उनको धीमी आँच पे आराम से पकाना होता है ताकि अंदर से कच्चा ना रह जाए। तो ये गोंद इसमें अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे, और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जितना गोंद हम यूज़ कर रहे हैं उसको सबको फ्राई कर लेंगे। और जितना भी ड्राई फ्रूट रहेगा उसकी हाफ क्वांटिटी हम लेंगे शक्कर की, और शक्कर की हाफ क्वांटिटी लेंगे पानी की। तो यहाँ पे देखिए ये है पोस्ता दाना, तो इसको भी अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। कढ़ाई में हल्के से घी में अब ये जो धनिया है ना, इसको हम लोग रोस्ट कर लेंगे, ये खड़ी धनिया है, और इसको फिर दरदरा को मिक्सर में थोड़ा पीस लेंगे, और फिर इससे बनाएंगे धनिया की पंजीरी। क्योंकि अभी कढ़ाई खाली थी तो हम सोचे चलो जल्दी से इसमें धनिया भी हम रोस्ट कर लेते हैं, फिर बाकी का चीज़ इसमें करते रहेंगे जो भी होगा। तो धनिया हल्का जब इसमें से खुशबू आने लगे तब तक इसको रोस्ट करना है, और इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स और हैं उनको भी यहाँ पे रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे खरबूजे के बीज हैं, और यहाँ पे है चिरौंजी, तो इनको भी घी में हल्का सा रोस्ट करेंगे। और ये जो खरबूजे के बीज है ना, ये चट चट करके आवाज़ करते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं, तो ध्यान से इसको करना होगा। उसके बाद ये जो नारियल है जो कद्दूकस करके रखे थे, इसको हल्का सा इसी में कढ़ाई में चलाएंगे। अब यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट्स थे उनको अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं घी में, जो भी तलना वलना था वो सब हो चुका है। अभी पाक बनाने का जो सेकंड स्टेप है वो है इसकी जो चाशनी तैयार करनी, जो सीरा तैयार करना है वो पाक के लिए। तो इसमें से जो नारियल का ये बुरादा है ना, थोड़ा सा अलग करेंगे, क्योंकि एक पाक बनाएंगे सिर्फ नारियल के बुरादे से, और एक बनेगा ये सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो नारियल के बुरादे से ये प्लेट में जो भी घी लगा हुआ है वो सब निकाल लिए हैं,
और ये दोनों अलग अलग कर लिए हैं, और एक प्लेट में जितने मतलब पाक को आप जिस प्लेट में भी जमाना चाहते हैं उस प्लेट में थोड़ा सा घी का मतलब घी लगा दीजिए ताकि वो पाक अच्छे से जम जाए और आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पे दो कढ़ाई रख दिए हैं, छोटी वाली कढ़ाई में बनाएंगे नारियल पाक और जो बड़ी वाली कढ़ाई है उसमें ड्राई फ्रूट्स का जो पाक तैयार कर रहे हैं मावा पाक वो बनाएंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी वही रहेगी कि जितने क्वांटिटी में आप ये ड्राई फ्रूट्स का मटेरियल ले रहे हैं उसकी हाफ क्वांटिटी में आपको लेना है शक्कर, और उस शक्कर की हाफ क्वांटिटी में आपको डालना है इसमें पानी। इसी अंदाजे से आपको कोई भी पाक तैयार करना है। और इसमें साथ में हम लोग ऐड कर देंगे इलायची का पाउडर, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आएगी। तो अब इसको हम लोग पहले चाशनी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जैसे जैसे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा फिर हम लोग इसमें जो भी ये ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड करेंगे, और नारियल वाले में नारियल ऐड कर दिए हैं और इसको अब चलाते रहना है, और इसको थोड़ा सा जैसे बंधना शुरू हो जाए तब तक इसको हमें पकाना है, और चाशनी थोड़ी सी उसकी जो है वो गाढ़ी होती जाए, और जो भी मटेरियल है वो कढ़ाई में जब थोड़ा सा बंधने जैसा आएगा ना कि थोड़ा मतलब जगह जगह इकट्ठा हो रहा है, तब आप समझ जाइएगा कि अब हमारा जो ये मटेरियल है वो बिल्कुल तैयार हो गया है जमाने के लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी एकदम से, लेकिन बारिश भी हुई, किचन में काम करते करते गर्मी लगती भी बहुत ज़्यादा है। तो बस अब जल्दी जल्दी से प्रसाद तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग भी तैयार होंगे पूजा के लिए। देखिए अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं और चीनी आपस में ये इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, इसी तरीके से हम लोगों को तैयार कर लेना है। और इस स्टेज पे जब हम लोग थाली में इसको जमाते हैं ना तो बहुत अच्छी तरीके से ये जम जाएगा। थोड़ा सा और चलाएंगे और ये सब कुछ अब देखिए एकदम ड्राई सा होना शुरू हो गया है, तो इसको जमा लेंगे और ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम लोग इसके छोटे छोटे पीस कट करेंगे और ये हमारा मावा पाक और नारियल पाक तैयार है। तो इसी तरीके से ये मावा पाक भी इसे तैयार कर लेंगे। किचन में काम करते करते गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि हमको देख के बाकी के लोग परेशान हो जाते हैं, और मम्मी भी आ गई थी देखने कि कुछ हेल्प करानी हो तो बता दो, और मुनमुन तो लगी हुई थी मेरे साथ साथ कि मम्मा हम आपकी पूरी पूरी हेल्प कराएंगे, और उसका ही शौक था कि हम लोगों को इस बार जन्माष्टमी बहुत अच्छे से सजानी है, हम लोग फास्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लड्डू गोपाल को लाएंगे। तो हम बोले कि जब तुम्हारी अगर दिल से इतनी इच्छा है तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी, और हो सकता है लड्डू गोपाल हमसे सेवा लेना चाहते हैं इसीलिए तुम्हारे मन में ऐसा कुछ आया भी है। तो इसलिए हम लोग सारी तैयारी दिल से करने में लग गए। इधर हम लोग प्रसाद की तैयारी कर रहे थे और उधर भगवान अपनी बारिश करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी हो और बारिश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सुबह से मौसम बहुत गर्म था लेकिन फिर बारिश भी बहुत अच्छी हुई। यहाँ पे देखिए पाक जो बनाए थे वो ठंडा हो चुका है, तो इसको काट के रख देंगे ताकि फिर आसानी से निकाल सके प्रसाद लगाने के टाइम पे। तो इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और सारा प्रसाद हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे देखिए दोनों तरीके के पाक तैयार हो गए हैं, सिंघाड़े का हलवा तैयार हो गया है, साबूदाने की खीर तैयार हो गई है, धनिये की पंजीरी तैयार है और पंचामृत तैयार है, और यहाँ कान्हा जी का पूरा साज सिंगार जो भी है जो हम लोग करने वाले हैं वो सब कुछ एक थाली में लगा दिए हैं, अच्छे से तैयार कर दिए हैं ताकि कोई भी चीज़ ढूंढना ना पड़े, सब कुछ आसानी से मिल जाए। जो सबको अच्छा लगे वो कर लो। सारा काम करने के बाद नहा वहा के अब यहाँ पे सब लोग तैयार हो रहे हैं, तो मुनमुन हमसे पूछ रही मम्मा ये करने की ज़रूरत है वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका थोड़ा मन था सब कुछ करने का। और जब फेस्टिवल होता है ना या कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो बच्चों को थोड़ा सा छूट दे देना चाहिए कि भाई चलो आज के दिन तुमको जो अच्छा लगे मेकअप वगैरह कर लो, लेकिन सिर्फ फेस्टिवल पे। और वैसे भी मुनमुन को सारे मेकअप में सबसे अच्छा लिपस्टिक लगता है, वो लगा के वो खुश हो जाती है।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग सब लोग तैयार हो गए हैं और अब पूजा की तैयारी शुरू कर दिए हैं। मतलब सारी तैयारी तो हो गई थी, बस ये था कि सब कुछ एक जगह पे रख दे ताकि कुछ भी हड़बड़ी ना हो। और फर्स्ट टाइम है ना, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि सब कुछ अच्छे से टाइमली हो जाए, मतलब सारी मेहनत जो हो वो व्यर्थ ना हो जाए टाइम के चक्कर में। इसलिए सब कुछ हम लोग एकदम टाइम से तैयार करके रख लिए थे कि बस जैसे ही टाइम हो बस हम लोग उनको लड्डू गोपाल को अपने स्नान करा के, जन्म करा के उनकी पूजा अर्चना करें और उनको भोग लगा सके। तो इसलिए हम लोग एकदम लग गए थे कि सारी तैयारी कर लो, कुछ भी लेट नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग अपना ये जो जन्माष्टमी का फेस्टिवल था वो सेलिब्रेट किया और बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत अच्छी बात ये लग रही थी कि आराम आराम से पूरे दिन हम लोग तैयारी किए और फिर आराम से पूजा करने का टाइम वही 12 बजे का था। तो ये सबसे अच्छी बात लगी कि पूरा दिन अपने पास था तैयारी करने का। और मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी इसलिए वो बैठी हुई थी, उनके पाँव में दर्द था। आप लोगों को पता ही है कि उनके पाँव में फैलेरिया है। तो सारी तैयारी हो चुकी है अब। तैयारी करने के बाद अब बस हम लोग यहाँ बैठ के वेट कर रहे थे कि कब 12 बजेगा, कब हम लोग पूजा करेंगे। तो बस अब 12 बजने में कुछ सेकंड थे। 12 बजते ही हमारे लड्डू गोपाल का जन्म हो गया है और बस अब उनको हम लोग पंचामृत से अभिषेक कराएंगे, स्नान कराएंगे और उसके बाद उनका पूरा साज सिंगार करके उनकी पूजा अर्चना करेंगे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल इतनी खुशी हो रही थी ना कि सच में हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया हो। और उस नन्हे से मेहमान के आने की जो खुशी होती है ना, बस वही महसूस हो रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ। हो गए हैं तैयार हमारे लड्डू गोपाल और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बस उनको प्यार से इस झूले पे बिठाएंगे और उनकी पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, उनको झूला झुलाएंगे। तो इसी तरीके से हमारी आज की ये जो पूजा थी वो संपन्न हो गई। और आप लोगों को ये जन्माष्टमी ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।